ऑयल टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल की वजह से जहां पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल अदम दस्तियाब है, वहां चिन्यौड में भी पेट्रोल की शार्टेज शुरू हो चुकी है। आज हड़ताल तीसरे दिन में जा रही है, तो जिन पेट्रोल पंप्स के स्टॉक पेट्रोल का था वो भी आज खत्म होने को है। अवाम उन्नास सुबह से पेट्रोल की बोतलें लेकर जगह जगह पर मारी फिर रही है, लेकिन पेट्रोल दस्तियाब नहीं है। अभी मेरे पास मौजूद हैं सिर्फ पेट्रोल पंप पे कुछ लोग जो सुबह से पेट्रोल ढूंढ रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि पेट्रोल की शार्टेज की क्या सूरत हाल है। जी सर, पेट्रोल सुबह का नहीं मिल रहा। मैं सुबह का इधर उधर फैसलाबाद रोड और सरगोधा रोड में गया हूँ, पेट्रोल हमें नहीं मिल रहा। मेहरबानी करके पेट्रोल हमें दे। जी जी सुबह से फिर रहा हूँ जी, इधर जाओ उधर जाओ, हर पंप पे गया हूँ लेकिन पेट्रोल नहीं दस्तियाब हो रहा जी। हर जगह से फिर के इधर जंग रोड पे आ गया हूँ जी, कोई मसला ही नहीं हो रहा जी, कोई हल ही नहीं हो रहा जी। किधर जाएं हम, मुलाजिम आदमी है जी। पेट्रोल की शार्टेज की वजह से अगर आप देखें तो इस वक्त भी पंप के ऊपर मुतद्दद लोग जो सुबह से मोटरसाइकिलें गाड़ियां लेकर फिर रहे हैं, पेट्रोल दस्तियाब नहीं है। जरूरत इस अमर की है कि ऑयल टैंकर एसोसिएशन के साथ हुकूमत के बरवक्त मुजाकरात होते। इस खबर को चलते आज तीसरा दिन हो गया है, लेकिन अवाम इसलिए शदीद परेशान है कि ऑयल टैंकर एसोसिएशन के साथ हुकूमत के मुजाकरात अभी तक क्यों नहीं कामयाब हो सके।